भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नेहरू युवा केंद्र के इस युवा जिला उत्सव के अंदर आज के समारोह में बूंदी के लोकप्रिय विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, नेहरू युवा केंद्र के राज्य के निदेशक महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, कशिक जेठवानी जी, सभी अतिथिगण, भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, जब मैं इन युवाओं को देखता हूं, इनमें ऊर्जा देखता हूं, बड़ा लक्ष्य को देखता हूं, बड़े सपने को देखता हूं, एक जुनून को देखता हूं, तो मुझे भी नई सामर्थ्य और शक्ति मिलती है। मुझे याद है मैंने देश के अलग अलग राज्यों से जब हमारे युवा साथी संसद के केंद्रीय कक्ष में आते हैं और हमारे वो महापुरुष जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानियां दी और आजादी के बाद भारत के निर्माण में योगदान दिया, उनके जीवन के बारे में जब हमारा ये नौजवान विचार रखता है तो उसमें कितना सामर्थ्य है, उसकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत है, उसका आत्मविश्वास भी मजबूत है और वह महापुरुषों से नई प्रेरणा लेकर, नई ऊर्जा लेकर संसद से केंद्रीय कक्ष से जब निकलता है तो वह राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को समर्पित कर देता है और यही ताकत हमारी है, यही हमारी शक्ति है कि आज हिंदुस्तान का नाम दुनिया में हो रहा है तो भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता के कारण दुनिया के अंदर नाम हो रहा है। हमारा नौजवान देश में अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहा है, विश्व के अंदर, उन देशों के अंदर भी उनका सामाजिक आर्थिक योगदान है, उस देश के विकास में योगदान है, वहां की सामाजिक आईटी प्रोफेशनल सेक्टर में योगदान है। इसलिए अगर भारत की सामर्थ्य है तो हमारी ये नौजवान युवा शक्ति, आपके सपने भी अद्भुत हैं लेकिन आपके संकल्प भी अद्भुत हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी आपके इन सपनों, इन संकल्पों को देखकर नया भारत, विकसित भारत बनाने के सपनों को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और इस लक्ष्य को पूरा करेगा तो भारत का नौजवान करेगा। जब प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के मैदान से आह्वान किया कि भारत की 140 करोड़ जनता इन प्राण पांच प्रण और पांच संकल्पों को लेकर चलेगी और 2047 में जब भारत का शताब्दी होगा तो हम विकसित राष्ट्र होंगे, दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत हमने।
और इसीलिए आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप भारत के भविष्य हैं, आप इस भारत के निर्माणकर्ता हैं। जो सपने आप देखेंगे जब आपकी उम्र 40 साल होगी, 42 साल होगी, 35 साल होगी, तो विकसित भारत के सपनों को आप पूरा होते हुए देखेंगे। और इसीलिए नौजवान साथियों, हम हमारी शिक्षा संस्कार प्राप्त करें, लेकिन देश के लिए कुछ करने का संकल्प भी हमारे मन में रहे। जिस गांव में रहते हैं, उस गांव शहर के अंदर बदलाव का अगुवा हमारे नौजवान हो, वहां सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प हो, नए विचारों का आदान प्रदान हो, और दुनिया जिस ओर बढ़ रही है उस तेजी से भारत बढ़े, उसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर उस नई तस्वीर बनाने में अपना योगदान दें। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 5 संकल्प लिए थे। विकसित भारत का सपना जो हम सबको पूरा करना है, हमारी ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति, इतिहास, हम जितनी हमारी विरासत को याद करेंगे, उस पर गौरव अनुभव करेंगे, उतनी हमें नई प्रेरणा मिलेगी। हमारा विरासत गौरवपूर्ण रहा है, हमारा स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान, समर्पण अस्मरणीय रहा है, नए भारत बनाने में हमारे महापुरुषों का योगदान अद्वितीय रहा है। और इसीलिए हमारी विरासत को संरक्षण करना और नए आधुनिक विचारों से भारत को बनाना, यह हमारी जिम्मेदारी है। भारत एक लंबे कालखंड तक गुलामी के अंदर रहा, पहले मुगल शासकों में रहा, फिर अंग्रेजों के शासकों में रहा, इसलिए हमें उन गुलामी के उन विचारों को समाप्त करना होगा। और गुलामी के विचारों से बाहर निकलकर नए भारत बनाने के संकल्प हमारे मन में हो, हमारे आत्मविश्वास में हो, इसको लेकर हमें काम करना है। और इसीलिए हमारे हर कार्य में नवीनता हो, नया हो, कुछ नया करने का हो। दुनिया में नवीनता, नया कुछ करेगा तो भारत करेगा, ये सपना हमारे नौजवानों के मन में होना चाहिए। और भारत एकता, हमारी विविधताओं में एकता हमारी ताकत है। हमारी विविध संस्कृति, हमारे विविध बोली, भाषा, विचार, लेकिन विविधता के अंदर हमारी ताकत है। लोकतंत्र हमारा समृद्ध है, लोकतंत्र हमारा मजबूत है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग धर्म होता है, लेकिन ये विविधता हमें जोड़ने का काम कर रही है, यही हमारी सामर्थ्य और शक्ति है। और इसीलिए हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, मेरा भी कुछ न कुछ दायित्व इस देश के लिए है, समाज के लिए, मुझे भी कुछ न कुछ योगदान इस समाज को देना है। ये 140 करोड़ लोग अगर इस कर्तव्य भावना के साथ जहां भी है, जिस क्षेत्र के अंदर है, देश मेरे लिए फर्स्ट है, नेशन मेरे लिए फर्स्ट है, इस मिशन से काम करेंगे, तो हम बहुत जल्दी विकसित भारत और नए भारत के सपनों को पूरा कर पाएंगे। इसलिए नौजवान साथियों,
आपके चेहरे के उत्साह को मैं देख रहा हूँ। काफी देर इंतजार करने के बाद भी आप में इतना उत्साह है, उमंग है, और हमें अपने गांव के अंदर नया परिवर्तन करना है। हमारे नौजवानों को हम खेल के मैदान में लाए, वृक्षारोपण करके हरा भरा बनाए, पर्यावरण शुद्ध करें, स्वच्छता हमारे मन में विचार कर्म में होना चाहिए, गांव के अंदर सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का विचार गांव में हमें देना है, और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा संस्कार मिले, ये भी हमें सामूहिकता के साथ काम करना है। मुझे आशा है नेहरू युवा केंद्र इस दिशा की ओर काम कर रहा है, और नेहरू युवा केंद्र के नौजवानों के मन में इसी तरीके का राष्ट्र देश के लिए समर्पण रहता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।